इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं, काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हमारे गांव का किस तरह का माहौल है और किस तरह हम लोग यहां गांव के अंदर रहते हैं। आज आपको मैं डेरे के ऊपर लेके जाऊंगा और डेरे का माहौल भी दिखाऊंगा, किस तरह से डेरे के ऊपर लोग रहते हैं और किस तरह से जानवरों को रखा जाता है, क्या क्या डाला जाता है। आज के व्लॉग में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आज इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकली हुई है। हमारे गांव के अंदर काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी और हर तरफ कीचड़ हुआ हुआ था, तो आज फाइनली धूप निकली है। तो मैंने भी आज सोचा कि आज मैं अपने फ्रेंड के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको सारा इंशाल्लाह बताऊंगा, पूरे गांव की डिटेल बताऊंगा गांव के अंदर। अभी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जानवरों के अंदर ही मैं खड़ा हूँ। इस तरफ भी आप बछड़े देख सकते हैं, बछड़ी और भैंस। इस तरफ भी बछड़ी और भैंस। और अब चलते हैं, मैं आपको लेके दूसरी तरफ। देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है। मेमना जिसे बोलते हैं, और इसके अंदर जानवरों को चारा डाला जाता है। डाला जाता है चारा, और फिर इसे इस तरह से घुमाया जाता है और चारा जो है वो आगे से निकल कर इधर गिर जाता है। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये देसी मुर्गा, और ये असल में जो लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं, ये वो वाला मुर्गा है। और ये इसकी आप हाइट देख सकते हैं, ये देखिए, ये बहुत, ये अपनी चूचों के साथ लड़ते हैं इनके साथ, और ये लड़ाई करने वाले होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ। तो अब चलते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये जानवर देखें, ये बकरियों के बच्चे हैं जो सूई हुई हैं बकरियाँ, और जिन्होंने बच्चे दिए हैं। और इस तरफ ये भी देखें आप, ये मेमने हैं, और ये देखें, ये मेमने का ये भी बच्चा है, ये देखें। और इस तरफ ये वाला मेमना देखें, और ये फ्रेंड जरा चेक करें, ये फ्रेंड, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ये बकरियां थी और ये बकरियों ने ये बच्चे दिए हैं थोड़े दिन पहले। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत
ये इनकी मामा है और ये बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप ये डॉगी का बच्चा भी देख सकते हैं, ये अभी बिल्कुल छोटा है और बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। ये देखें आप, इसके ये कान देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और अब मैं फ्रेंड्स आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ, तो अब चलते हैं और मैं आपको कबूतर भी थोड़े से दिखाता हूँ, तो उसके बाद अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये मैं घोड़ी के पास खड़ा हूँ, अभी ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, बच्ची है ये। पहले भी मैं एक वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ और ये बांधी हुई है। अभी इसको रस्सा डालकर और ऐसे खुले मैदान के अंदर थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है और ये जो है खुद ही भागती है और उसके बाद इसको दोबारा यहाँ पे बांध दिया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत घोड़ी है, ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको ले कर चलता हूँ दूसरी तरफ, तो अब चलते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, ये कबूतर खोले हुए हैं। ये फ्रेंड जो बाजी के अंदर खेले जाते हैं, जो उड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा सुबह और ये उड़ते हैं और शाम तक ये उड़ते ही रहते हैं, ये वो वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप ये देख सकते हैं मैंने ये दो किस्म के कबूतर पकड़े हुए हैं, इसे एक को टैडी कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, इसको बटेरा बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं आप ये देख सकते हैं, बाकी ये हैं, ये तो मैं पकड़ने से रहा, तो ये मैंने पकड़े हैं दो और अभी आपके सामने मैं छोड़ता हूँ, देखो कैसे उड़ते हैं। और ये तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप फ्रेंड मज़ा आया जो ना चले ट्रैक्टर चलाना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग का आपको मज़ा आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मज़ा आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय।